एजेंसी की आज के सुंदर संदेश को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला सैमुअल और उसका दूसरा अध्याय और उसके 27 पद से हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रियो, तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यों कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैंने उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ? क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट नहीं हुआ था? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके मूल पुरुष का परमेश्वर यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मिस्र में उन लोगों पर प्रकट हुआ जब उन पर अत्याचार हो रहे थे, जब इसराइलियों को सताया जा रहा था, तब परमेश्वर वहां पर प्रकट हुआ था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आज परमेश्वर के सेवक होकर अगर हम परमेश्वर की सेवकाई को गलत तरीके से कर रहे हैं, क्या परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो संदेश आप तक नहीं पहुंचाएगा? क्या आपको वो खबर नहीं मिलेगी? खुद परमेश्वर का जन आकर यहाँ पर एली को आराधनालय में ये बात कह रहा है कि परमेश्वर यो कहता है कि तेरे मूल पुरुष का घराने के वश में, क्या फिरौन के जो वश में था, मूल पुरुष और उसका वंश उसके वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट नहीं हुआ? सवाल किया है, एली को बताया गया है इस परमेश्वर के जन के द्वारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आज भी परमेश्वर उन बातों को प्रकट करता है अपने वचन के द्वारा, उन लोगों के द्वारा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत सी बातें आपके लिए प्रकट होंगी जो आपके जीवन में चल रही होंगी। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ जो आज मैं प्रकट नहीं हो सकता? कई बार आप सेवा कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा और दुनिया की नजर में आप अच्छे पास्टर होंगे, अच्छे सेवक होंगे, अच्छे विश्वासी होंगे, और आप चर्च के समय में अच्छा वस्त्र पहनकर और अच्छी आराधना कर लेने वाले अच्छे व्यक्ति होंगे, ये दास दासी होंगे और वचन बोलने में भी आप माहिर होंगे, पर क्या आपके जो अंदर के कार्य हैं वो बाहर के व्यक्ति देख पा रहे हैं? नहीं। परंतु याद रखना, परमेश्वर अगर फिरौन के समय में इसराइलियों को मिस्र में देख सकता है, उनके ललकार को और उनकी पुकार को सुन सकता है, तो आज भी परमेश्वर उन सच्चे विश्वासी की पुकार को सुन सकता है अगर आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, मैं कहना चाहता हूं और 28 पद में हम देखते हैं, क्या मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया? क्या मैंने उसे इज़राइल के गोत्रों में से उसे चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए यानी भेंट चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने अपोद पहना करे? क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइल के सारे हवे ना दिए थे? अब सोचना, जब पूरे 12 गोत्रों में से परमेश्वर ने लेवियों को चुना और उस लेवी की बात कर रहा है और एली को ये कह रहा है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे इसराइलियों में से नहीं चुना था कि तुम मेरे लिए भेंट चढ़ाओगे, तुम मेरे लिए पवित्र रहोगे, तुम मेरे लिए सारे कार्य करोगे, तुम्हारा हिस्सा मैं हूं, मैं तुम्हारा पोर्शन रहूंगा, दुनिया के लिए मैं पूरे 11 गोत्रों के लिए मैं भूमि दूंगा और सारी चीजें दूंगा, पर तुम्हारे लिए तुम्हारा पोर्शन मैं बनूंगा। परमेश्वर ने खुद अपने आप को लेवी गोत्र को दिया और आज परमेश्वर इस बात को कह रहा, क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए नहीं चुन लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाए, मेरा याजक होकर? सोचिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि उसका याजक होकर, उसका पासवान होकर, उसकी भेड़ों की चरवाई पासवानी तरीके से कर सके, अच्छे तरीके से कर सके, और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप और हम सब के जीवन में एक फटकार है, एक डांट है, जिस प्रकार से एली के जीवन में ये बात देखने को मिलती है प्रियो, कि परमेश्वर का वचन उसे बता रहा है किसी एक प्रिय जन के द्वारा जिसे परमेश्वर प्यार करता है। इसलिए क्या मैंने इसराइल में से चुनकर तुम्हें सेवा नहीं दी, धूप जलाने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए और
अपोध पहनकर मेरे सामने घूमने के लिए? क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के ऊपर के सारे हवे ना दिए थे? हवे समझते हैं कि जो उन पे चढ़ावा चढ़ा जाता, क्या वो मैंने तुम्हें नहीं दिए थे? अब सोचने की बात है कि परमेश्वर इतना कुछ देने के बावजूद भी हम फिर से गुनोनी हरकतें करें। मैंने बहुत से नेताओं को देखा है प्रियो, वोट लेने के समय वो घर घर जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं और सबको गले लगाते, सबसे मिलते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर बहुत सी बातें करते हैं। जब वो नेता बन जाते हैं उसके बाद फिर वो हाथ जोड़ते नहीं है, हाथ तोड़ते हैं। आप भी समझना इस बात के लिए, अगर आप याजक हैं, परमेश्वर के वचन लूका के 18वें अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि एक न्याय के पास एक विधवा बार बार आती है, उसे कहते हैं मेरा मुद्दई से मुझे बचा। वो अपने आप में कहता है कहीं मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसका क्या करूंगा, न्याय चुकाऊंगा। और बाद में लिखा है दुष्ट न्याय क्या कहता है, दुष्ट न्याय क्या कहता है। पहले न्याय है, फिर बाद में उसको नाम दिया गया दुष्ट न्याय, उसका न्याय चुकाता है। प्रियो, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आपको परमेश्वर चाहता है, आपको वो सेवा मिली है, आपको वो आशीष मिली है कि आप उसके प्रति वफादार रहें, और आपको परमेश्वर ने पूरे संसार में से चुना है कि आप उसके लिए भेंट चढ़ाएं, आप उसकी भेंट का आदर करें। और आगे लिखा है वचन में, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, 29 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको बताऊंगा प्रियो, लिखा है इसलिए मेरे लिए मेल बलि और अनबलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने के आज्ञा दी है उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? ये रोंदना ही हुआ है जब हम परमेश्वर की उन बातों का बातों की आज्ञा नहीं मानते, या उसके वचन को नहीं मानते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ये भेंट को रोंदना हुआ है। जब हम भेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम भेंट को रोंद रहे हैं। इसलिए कहते कि मैंने आज्ञा दी है, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने के लिए आज्ञा दी उन्हें तुम क्यों अपने पांव तले रोंदते हो, सवाल करता है। और क्या, और तू क्यों अपने पुत्रों को का मुझसे अधिक आदर करता है? अरे परमेश्वर कह रहा है तू मुझसे ज्यादा अपने पुत्रों का आदर करता है। क्या मेरा होता है, हम अपने बच्चों की पाप को छुपा कर रखते हैं, ये बड़े दुख की बात है। आज एली की को कहा गया क्यों तू मुझसे ज्यादा अपने पुत्र का आदर करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एली जानता था पहले से भी उनके गुनाह को और उनके लुच्चेपन को अच्छी तरह से जानता कि ये लुच्चे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की नजर में सुच्चे नहीं है, इसलिए वो जानता था और उनका फिर भी वो आदर करता रहा कि इनका पद और इनकी पदवी और इनकी जॉब, इनकी नौकरी बनी रहे और ये इसी तरीके से परमेश्वर की सेवा करते रहे। पर इस तरीके से सेवा ज्यादा लंबी नहीं चलती है प्रियो, ज्यादा दिन तक आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में सच्चाई नहीं है, आपकी आपके लिए परमेश्वर आपके जीवन में सच्चाई देखना चाहता है, इसलिए इनके जीवन में सच्चाई नहीं थी। और एली एक परफेक्ट सिखाने वाला नहीं रहा, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर कम, बच्चों का आदर ज्यादा करता था, क्योंकि वो सोचता कि मेरे बच्चे कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। नहीं, परमेश्वर का आदर पहले, और उन बच्चों को ताड़ना दे, उन बच्चों को उस पद से हटाए, उन बच्चों को वहां से निकाल दे, बोले तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम करके दिखाया, और अब्राहम को परमेश्वर ने इस तरीके से इस्तेमाल किया, कहा कि जिसे तू प्यार करते उसे मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। प्रियो, उसने चढ़ाने के लिए वो चला गया और परमेश्वर ने रोक लिया, परमेश्वर ने कहा मैं जान गया। क्या एली अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं करता, नहीं करना चाहिए था उसे, करना चाहिए था, लेकिन वो बच्चों का आदर ज्यादा करता रहा और परमेश्वर का आदर नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर के जन ने परमेश्वर की वाणी को लेकर एली को समझाया, तू अपने पुत्रों का मुझसे ज्यादा क्यों आदर करता है, कि तुम लोग मेरी इज़राइल प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो गए हो, कि अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। बड़ी दुख की बात है, परमेश्वर कितने दुखित हृदय से इस बात को कह रहा है कि इज़राइल की प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट को खा के मोटे हो जाओ, ऐसा तुम कर रहे हो और मेरा आदर तुमने करना बंद कर दिया है। प्रियो, भेंट खाइए, चाहे आप हेल्थी भी हो जाए, मोटे भी हो जाए, कोई बात नहीं, पर आप पवित्रता के साथ अपने जीवन को रखिएगा। पवित्रता का जीवन परमेश्वर आपसे चाहता है,
और सच्चे हृदय की गहराई से वो अपनी आराधना चाहता है आपसे। इसलिए परमेश्वर का जन कोई ना कोई आपके पास आएगा और आपको डांट फटकार करेगा, और हो सकता है इसी वीडियो से आपको ये डांट फटकार लगे और इस वीडियो से आप सीख पाए कि अरे मैं क्या कर रहा हूं। प्रियो, हो सकता है इसके बाद आप मेरी ये वीडियो ना भी देखें, कोई बात नहीं, पर मैं परमेश्वर का संदेश देता रहूंगा और ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा और आप तक इस संदेश को पहुंचाऊंगा। आपकी इच्छा है बदलना, और नहीं बदलना तो आपकी इच्छा है, फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो हमें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा और वो करता भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, इन आयतों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप अपने जीवन को बदलिए और बदलाव लाइए और एक अच्छे सच्चे सेवक की तरह, सैमुएल की तरह सेवा कीजिए और परमेश्वर की सेवा टहल के लिए वहां पर घूमिए और उसकी आराधना कीजिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का कारण बने। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह की।